नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं वो अभिषेक रंजन। देखिए, राजद एमएलसी सुनील सिंह पर गाज गिरी है, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। कहां से आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद से आखिर क्यों उनकी सदस्यता गई। सबसे पहले बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का मिमिक्री करने का आरोप उन पर लगा है, उन पर जाँच चल रहा था और आज जो है सस्ता चली गई है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हैं, इनसे जानेंगे, विस्तार से जानेंगे आखिर क्या कारण रहा, किस लिए सुनील कुमार सिंह की सस्ता चली गई। देखिए, ऐसा है कि सुनील कुमार सिंह सब लोग जानते हैं कि वो लालू जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने क्षत्रिय हैं, लेकिन राबड़ी देवी उनको मुंहबोला भाई मानती हैं, उनको राखी बांधती हैं। और जिस समय नीतीश कुमार दूसरी बार आरजेडी के साथ गए और सरकार बनाई, उस समय भी ये चुप नहीं हुए। पता नहीं किसके इशारे पर ये लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार करते थे, विधान परिषद के अंदर भी और विधान परिषद के बाहर भी। आप लोग जैसा सब लोग जानते हैं कि वो बिस्को मान के अध्यक्ष थे और बिस्को मान का अध्यक्ष जो एक बहुत बड़ी संस्था है और उसमें चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद कोई आदमी अध्यक्ष बनता है, सरकार को उसको आक्रमित करने का अधिकार है। सरकार चाहे तो उसको आक्रमित करके वहाँ पर किसी आईएएस पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो कि शायद अभी हुआ है। कल उनको उस पद से भी बिस्को मान के अध्यक्ष पद से भी उनको हटा दिया गया है। तो दरअसल उन पर आरोप है कि विधान परिषद के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश कुमार, उनके खिलाफ इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उनकी मिमिक्री की। मिमिक्री का मतलब उनका नकल किया और उनकी हंसी उड़ाई। और इस पर जब देवेश चंद ठाकुर जब वहाँ के सभापति थे, उसी समय जो सदस्यों के आचार विचार को देखने वाली जो समिति होती है, उसको ये केस रेफर हुआ था, इनका केस रेफर हुआ था। और उसमें रामबचन राय जी, जो जिनके बारे में है कि वो उपसभापति विधान परिषद के हो सकते हैं, वो भी उसमें वहाँ पर थे। और उसी कमेटी की रिपोर्ट आई है जो ये अभी जो वर्तमान में जो सभापति हुए हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनके पास आई है। और उसके आधार पर ये कल ही प्रेस में बात आ गई थी कि इनकी सदस्यता, सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुनील सिंह लालू यादव के एक तरह से कहिए कि उस परिवार के छाया की तरह रहने वाले लोग हैं। जैसे आपने देखा कि छपरा में वो खुद स्वयं सारण जिला के हैं और छपरा में जो चुनाव हुआ था जिसमें रोहिणी आचार्य खड़ी थी, उस पूरे चुनाव की जिम्मेवारी सुनील सिंह के जिम्मे थी। यही नहीं, जब लालू यादव जी सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए थे तो वहाँ भी सुनील सिंह मौजूद थे और लगातार वो उनके साथ लगे रहे। तो इस तरह से सुनील सिंह एक पर्यायवाची हैं, एक घनिष्ठ संबंध है उनका लालू जी के परिवार से। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि एक तरह से सुनील सिंह पर जो कार्रवाई हुई है वो लालू यादव पर कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा रहा है, यानी कि द्वेष भावना की राजनीति के तौर पर कार्रवाई की गई। देखिए, ऐसा है कि ये मामले जो होते हैं वो राजनीतिक मामले होते हैं और सदस्यों को, जो विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं या लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको विशेषाधिकार भी मिला होता है। और सदन के अंदर अपने बोलने के लिए वो जवाबदेह सदन के प्रति ही होते हैं, उन पर सदन में बोले गए बात के लिए बाहर में कोई आदमी उन पर मुकदमा नहीं चला सकता है। सदन में भी उन पर अगर कोई इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं कह दी, जो इसमें लग रहा है कि ऐसा प्रूव हुआ है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो सदन में भी उनको पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी बात को रख सकें। और उसमें अगर तथ्य से अलग भी कोई बात
आ गई है तो फिर उनको ये अधिकार रहता है कि वो उस पर उस चीज़ को वो वापस ले लेते हैं या उसको सभा की कार्यवाही से हटा दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों सुनील सिंह के मामले में थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम हुआ है। लेकिन अभी एक और वाकया मैं इस मामले में कह देना चाहता हूँ कि जो राजद के एक एमएलसी और हुआ करते थे चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी वो राजद के पार्टी के की जो कमियाँ थी उसको उन्होंने उजागर करना प्रारंभ किया था, जिसके कारण एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करने के नाम पर उनकी सदस्यता को रद्द किया था और उस सदस्यता को रद्द करने का प्रस्ताव सुनील सिंह ने ही रखा था। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि चूंकि चंद्रवंशी अति पिछड़े समाज से आते हैं और नीतीश कुमार अति पिछड़े के पैरोकार हैं बहुत बड़े, इसलिए चंद्रवंशी जो आरजेडी के विधान पार्षद थे और उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए एक सवर्ण राजपूत जाति से आने वाले व्यक्ति की भी सदस्यता रद्द की गई है और एक तरह से बराबरी का हिसाब हुआ है। लेकिन इसमें नुकसान अगर किसी का मैं देख रहा हूँ तो वह घुमा फिरा के राजद का ही नुकसान है, क्योंकि जब ये जो वैकेंसीज होगी ये सिंगल वैकेंसीज होगी और सिंगल वैकेंसीज में जब एक व्यक्ति की वैकेंसी होगी तो एक व्यक्ति फिर चुनाव में चुनाव उसका एक व्यक्ति के लिए चुनाव होगा और उसमें निश्चित रूप से एनडीए के पास चूँकि बहुमत है विधानसभा के अंदर, इसलिए जब भी कोई जीत कर आएगा तो एनडीए का लोग ही जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों सीट जो है जो वैकेंट हुई है ये दोनों सीट आगे चल के एनडीए को मिलने जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुनील सिंह के साथ एक और राजद के करीबी यानी कि तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी बनाए गए मुजफ्फरपुर से थे, उनका भी नाम सामने आया था लेकिन बाद में उन्होंने जो बातें कही थी उन्होंने अपनी बातों को वापस ले लिया था, लेकिन सुनील सिंह जो है वो अपनी बातें से पीछे नहीं हट रहे। वो कारी साहब हैं जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो कारी साहब का भी नाम आया था, कारी साहब ने भी मिमिक्री की थी और कुछ अपशब्द कहे थे लेकिन उन्होंने वापस ले लिया था। तो लेकिन सुनील सिंह ने मना कर दिया था, सुनील सिंह ने कहा था कि नहीं मैं जो बात मैंने कही है उस पर मैं कायम हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि उनको उन्होंने कहा कि मैंने जवाब भेजा था डाक से जिसको कि वापस लौटा दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का जो विधान परिषद की समिति है उसका ये कहना है कि इनको बुलाया गया था और चार दफ़े ये नहीं आए, पांचवें दफ़े में आए भी तो ये कोई बिना संतुष्ट जवाब दिए हुए ये जो है सो वापस चले गए। और इस तरह से एक ये कार्रवाई यहाँ पर उन पर कार्रवाई हुई है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं। लोकतंत्र में बदले की भावना, हालांकि सरकार बहुत स्पष्ट रूप से सरकार का आज बयान भी आ गया है, सरकार के मंत्री का बयान जो अशोक चौधरी हैं उनका बयान आ गया है कि साहब इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये तो विधान परिषद की समिति है, विधान परिषद की समिति ने जो इसकी इथिक्स कमेटी है उसने ये निर्णय लिया है और उसने अनुशंसा की है और उस अनुशंसा के आधार पर जो अध्यक्ष हैं विधान परिषद के जो सभापति हैं उन्होंने इसको निर्णय लिया है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन अध्यक्ष तो सरकारी का है ना? नहीं, अध्यक्ष तो जब अध्यक्ष बन जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है, ऐसी संसदीय परंपरा है। लेकिन ये सब कहने की बात होती है, कोई भी जो लोकसभा का अध्यक्ष हो या विधानसभा में राज्यसभा का सभापति हो या फिर विधानसभा या विधान परिषद का अध्यक्ष या सभापति हो, ये सब सत्ताधारी दल के लोग अपने ही में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उनको बनाते हैं। और जैसे अभी विधान परिषद के जो सभापति हैं वो बहुत पहले भी रह चुके हैं और फिर अभी एक दो दिन पहले उनको विधान परिषद का सभापति बनाया गया है, बीजेपी से आते हैं और क्षत्रिय समाज से ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सत्ताधारी दल होती है उसी का सभापति होता है, हालांकि सभापति होने के बाद या स्पीकर होने के बाद उसको बिल्कुल निरपेक्ष भाव से काम करना होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता नहीं। खास करके एक और बातें निकलकर सामने आ रही है, जब एनडीए की सरकार बनने वाली थी हाल ही कुछ महीने पहले, तो
तो वहाँ पर सुनील कुमार की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा थी सरकार बनाने को लेकर, और जो जो सरकार का जो समीकरण चल रहा था, विधायक जो इधर से उधर चले गए थे, और जिस समय महागठबंधन ये दावा कर रहा था कि हम सरकार बना लेंगे, विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे, तो सुनील कुमार की काफ़ी ज़्यादा भूमिका उसमें नज़र आ रही थी, कई विधायकों से उनका संपर्क था। तो कहीं ना कहीं ये भी देख कहा जा रहा है कि ये जो है वो नीतीश कुमार को लेकर, सुनील कुमार ने आज मीडिया में बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि हम बर्बाद कर देंगे। सुनील कुमार का ये भी कहना है कि जब तक हमारी सांस हम चलते रहेंगे, हमारी सांस को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए वो बात तो मीडिया में आ गई है, सब बातें आ गई हुई हैं। निश्चित रूप से चूंकि लालू जी के वो करीबी हैं तो वो महागठबंधन के लिए काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुनील सिंह पर एक्शन लिया या आरजेडी ने चंद्रवंशी जी पर एक्शन लिया, लेकिन विधानसभा के अंदर खुलेआम जब शक्ति परीक्षण हो रहा था, उस समय खुलेआम शिवहर के विधायक चेतन आनंद सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाके बैठे, विक्रम के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो सत्ताधारी दल के साथ रहे, उनके साथ वोट किया। नीलम देवी जो मोकामा से जो विधायक हैं, वो जो है सो बजाते वहाँ बैठी, लेकिन आज इतने दिनों के बाद भी अभी तक तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द हुई है। तो आप एक जगह किसी की सदस्यता रद्द कर रहे हैं और दूसरी जगह जो बिल्कुल कानूनन जो दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि भाई कोई आदमी जब अपनी पार्टी ही बदल लिया, वो जो है सो विपक्षी सीट का जहाँ अरेंजमेंट था उससे उठ के वो ट्रेजरी पक्ष में जाके बैठ गया, उसने वोट कर दिया, तो फिर उसका क्या उचित है कि उसकी सदस्यता बनी रहेगी? वो तो ग्लेरिंग है, उसमें तो किसी को कुछ समझना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या राजद भी उस पर कोई बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। राजद को भी उम्मीद है, जैसे आप देखते होइएगा कि तेजस्वी यादव बड़ी चालाकी से, लालू यादव तो बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन तेजस्वी यादव आज भी जो है सो विधानसभा से गायब रहते हैं। जैसे अभी वो विधानसभा चल रहा था और पता चला है कि वो विदेश की यात्रा पर चले गए हुए थे, तो अभी भी उनको उम्मीद है कि नीतीश कुमार फिर उनके साथ वापस जा सकते हैं, इसीलिए वो जो है सो जो आक्रामक जो भी हैं तो विरोधी दल के नेता तो उनको आक्रामक होना चाहिए, लेकिन वो आक्रामक नहीं होते हैं, वो सोची समझी एक उनको अभी भी विश्वास है, हालांकि होने नहीं जा रहा है, जो स्थिति है अब बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, अब होने नहीं जा रहा है, लेकिन अभी भी चूंकि अपनी ताकत राजद की कोई है नहीं कि वो सरकार बना ले अकेले, ये बात तो तय है कि वो सब्जी में जिस तरह से टमाटर की भूमिका होती है, उसी तरह से बिहार में टमाटर के रूप में नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी जिस तरफ होंगे सरकार उसी की बनेगी। तो इसलिए अभी ये लोग भी जो है सो वो लाख सुनील सिंह पर हो गया या लाख जो है सो राजद के लोगों ने वोट कर दिया है नीतीश कुमार के पक्ष में, लेकिन ये लोग बहुत खुल के नीतीश कुमार का विरोध राजद के लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं और ख़ास करके तेजस्वी यादव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अभी भी उम्मीद है कि कहीं अगर इधर आ जाएं तो फिर से हम लोग सत्ता में आने का हमको मौका मिलेगा। और यही बात हम ठीक बीजेपी के साथ भी कर सकते हैं कि बीजेपी भी आज कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पर जो है सो एक आपने देखा कि भाई उप मुख्यमंत्री को अपना मुरेठा उतारना पड़ा, कह भी रहे हैं कि 2025 में सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ेंगे, और जो है सो कहाँ तो उनको हटा रहे थे, अब वो कहते हैं कि साहब वही फिर मुख्यमंत्री भी होंगे, अब प्रदेश अध्यक्ष से भी वो हट गए, प्रदेश अध्यक्ष अब दूसरा आदमी दिलीप जायसवाल जी बन गए। अब तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आज के दिन में भी इस बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार अपनी उपादेयता राजनीति में बिहार के अंदर बनाए हुए हैं, और लाख छटपट कर लें, बिना नीतीश कुमार के मेरा प्रेडिक्शन है आज भी कि बिना नीतीश कुमार के सपना देखते रह जाएंगे तेजस्वी यादव या लालू यादव, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और वही हाल बीजेपी की भी है कि बीजेपी को भी नीतीश कुमार को आगे रखकर ही बिहार में अपनी सत्ता को कायम रखनी होगी। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, चाहे वो विपक्ष के तरफ हो या पक्ष के तरफ हो, नीतीश कुमार जिसके तरफ होंगे यानी कि जीत उसी की होगी, यानी आप ये कह सकते हैं
कि महाभारत के समय अगर श्री कृष्ण जिस पक्ष के तरफ रहते जीत उसी की होती। उसी प्रकार से आज की राजनीति में बिहार की खास करके बात करेंगे तो नीतीश कुमार जिस तरफ रहेंगे सरकार वही रहेगी, चाहे वो महागठबंधन की तरफ हो तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए की तरफ हो तो एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो थी कि एमएलसी सुनील सिंह पर कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता चली गई है, जिसको लेकर बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का, काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया आखिर क्यों उनकी सदस्यता चली गई है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।